हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि एक पंप को, वाटर पंप को 3 फ्लोर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग घरों से। ठीक है, चलो ठीक है, देखें ज़रा। ब्रेकर 3 चाहिए, एमसीबी, इसके बाद मीटर 3 चाहिए। ये अलग अलग, ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। अब इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन है। शर्त यह है कि आप पूरी वीडियो देखें यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, पहले हम करेंगे पावर वायरिंग इसकी। ठीक है, पावर वायरिंग के बाद मैं आपको कंट्रोल वायरिंग भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में। इतना मुश्किल नहीं है, बस सीधे सीधे से कनेक्शन है इसके। ठीक है, अब चेक करें और देखें। पहले इस तरह मीटर पे एमसीबी पे लगाना है वायर, और उसके बाद मेन कनेक्टर के पॉइंट पे लगा देना। ठीक है, सेम आपने इसी तरह तीनों के कनेक्शन करने हैं। पहले ये न्यूट्रल लग गई, एमसीबी में लगानी है न्यूट्रल, और उसके बाद कनेक्टर में लगानी है। ठीक है, ये पावर वायरिंग कर रहा हूँ अभी मैं, कंट्रोल वायरिंग में बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, अभी इधर लगानी है। सेम इसी तरह के आपने कनेक्शन करने हैं तीनों पे। ठीक है, मैं आपको सादा सा बता रहा हूँ, इसी तरह आपने करना है। इतनी वीडियो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी वीडियो है ये। आप 3 जगह से 4 जगह से 6 जगह, जैसे जितने भी फ्लोर हैं वहाँ से कंट्रोल आराम से एक पंप को कर सकते हैं। अब इधर से करेंगे। इसके बाद मैंने ये 3 लगाए हैं, ध्यान से करें, सेम कनेक्शन करने, जैसे ऊपर किए वैसे ही नीचे करने हैं। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर लगाए हैं, ये तीनों जब भी मोटर कहीं एक फ्लोर से होगी तो जिन्हों ग्लो होंगे तीनों एक साथ, तो पता चल जाएगा कि मोटर चल रही है, तो दूसरा बंदा ये ऑन नहीं करेगा। ठीक है, या अगर इधर वाला फ्लोर वाला चला रहा है तो इसको भी लाएगा, इधर वाला चला रहा है तो इसको, इधर वाला चला रहा है तो इसको भी लाएगा। ठीक है, ये लैदा लैदा है। आप 6 जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं, 10 जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब पावर देखें, ये पावर कर रहा हूँ अभी। इनको तीनों में आपस में ना कर देना आपने, इसका इनपुट इसके आउटपुट में, इसका इनपुट इसके आउटपुट में लगा देना तीसरे कनेक्टर के। अब इस फ्लोर पे पहले पहले वाले पे बेशक लगा दें, बेशक दूसरे वाले से लगा दें, बेशक तीसरे वाले से, पंप को 2 वायर लगनी है वो लगा दें। ठीक है, इसके बाद मैं अब इधर से ही कर रहा हूँ कनेक्शन, इसके बेल के जो लगानी है ना इंडिकेटर, वो उसके कनेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, एक एक चलेगा ना तो ये इधर वाली चलेगी। ठीक है, ये तीनों चलेंगी फिर, अगर एक कनेक्टर जब भी चलेगा ना तो पता चल जाएगा इस फ्लोर वाले को कि ऊपर चल रही है मोटर, इसको इसको भी पता चल जाएगा कि वो इसलिए फिर चलाएगा नहीं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कंट्रोल वायरिंग। आपने कंट्रोल वायरिंग अब देखे ना, ये जो है NC एग्जेलरी लगानी है इसके ऊपर। ठीक है, इसके कनेक्शन में अभी इसके ऊपर NC, इसमें हमने पॉइंट यूज़ करना है एग्जेलरी में, तीनों पे NC पॉइंट यूज़ करनी है। ठीक है, ये इसके ऊपर लगा लेनी है आपके मैग्नेट कनेक्टर के इंटरलॉकिंग के लिए। ये देखिए, अब मैंने पहले पहले को कंट्रोल करना है, तो इसकी एनसी और इसकी A2 पॉइंट, कोयल के पॉइंट में लगा रहा हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह कनेक्शन होंगे दूसरे के भी, ये इंटरलॉकिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी दूसरे को कर रहा हूँ कंट्रोल। ठीक है, आपने इसी तरह पहले की समझ आ गई तो तीनों की आ जाएगी आपको। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर भी कर दिया करो यार। ठीक है, ये देखिए तीनों की एक जैसी है। पहले की अगर आपको समझ आएगी तो तीनों की इंटरलॉक करनी है, ताकि अगर एक चले तो। इसके अलावा मैंने एक पे भी बनाई है, वो भी चेक करना।